हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों यदि आप अपने व्हाट्सएप पर नए नंबर को सेव करना चाहते हो और आपसे व्हाट्सएप पर नया नंबर सेव करना नहीं आ रहा है। दोस्तों बहुत से नए नए यूजर होते हैं जो व्हाट्सएप का सबसे पहली बार उपयोग कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि हम व्हाट्सएप पर नया नंबर को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, दोस्तों आज आपको पता लग जाएगा कि हम व्हाट्सएप पर नए नंबर को किस तरह से सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो चैनल पर नए आए हैं, वीडियो के नीचे दोस्तों एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, दोस्तों आपको सबसे पहले उसको काला कर देना है और दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको अपनी प्ले स्टोर में जाकर आपको अपनी व्हाट्सएप को सबसे पहले अपडेट कर लेना है। ठीक है, जो आपकी व्हाट्सएप का इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा, फिर आपको जो आप व्हाट्सएप पर नया नंबर सेव करना चाहते हो तो आपका आसानी से हो जाएगा। दोस्तों अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको फिर अपनी जो व्हाट्सएप है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेंड मैसेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जब आप व्हाट्सएप पर नया नंबर सेव करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको न्यू कॉन्टैक्ट के नाम से। ठीक है, आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, आपको सबसे ऊपर उस बंदे का नाम लिखना है जिसका आप व्हाट्सएप पर नया नंबर सेव करना चाहते हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी बंदे का नाम यहाँ पर है सन्नी, ठीक है, जैसे हमने सन्नी लिख दिया, ठीक है, तो उसका यहाँ पर आपको दोस्तों लास्ट नेम लिखना है, सन्नी सैनी या कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों उसके नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा +91। ठीक है दोस्तों, यदि कोई बंदा पाकिस्तान से है या साउथ अफ्रीका से है तो उसका कंट्री कोड लगा देना है नंबर के सामने। ठीक है, तो इस तरीके से, तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा कि आप यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालें। ठीक है, तो आप उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ 9837983766। दोस्तों इस तरीके से आप उसको यहाँ पर इस ऑप्शन आएगा आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन सेव, ठीक है, तो दोस्तों आप उसको सेव कर देना। तो दोस्तों क्या होगा, जिसको आप व्हाट्सएप पर नया नंबर जो सेव करना चाहते हैं वो आपका व्हाट्सएप नंबर में भी आ जाएगा। दोस्तों आपको चेक करने के लिए उसको क्या काम करना पड़ेगा, आपको फिर से अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, सेंड के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो थ्री डॉट दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यदि आपकी व्हाट्सएप में वो नंबर नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको एक बार सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद जो आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर जो नया नंबर सेव किया है दोस्तों इस तरीके से वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए आपका दिन शुभ हो।